हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। परसेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, और जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन आए ना, तो एक स्केच बना लिया करें। वो क्या स्केच है मैं आपको बताता हूँ। इन द एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 45% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए। तो 45% आपके पास एक चीज़ आ गई जिसमें क्या आ गए हैं, फेल्ड स्टूडेंट आ गए। यानी इतने बच्चे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, पास कितने हुए हैं? ऑफ कोर्स, अगर 45% फेल हुए हैं तो 100 में से 45 गया, तो 55% पास हुएंगे। अब यहाँ पर जो पास हुए हैं उसकी उसने तादाद बताई हुई है, हमें परसेंटेज नहीं बताई हुई। तो परसेंटेज तो हमें पता लग गई, तो तादाद क्या है, नंबर दिया हुआ है 550 बंदे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, अब 550 तादाद हो गई और ये पासिंग की परसेंटेज हो गई। यहाँ पे हमें परसेंटेज दी हुई है, तादाद में नहीं दी हुई। ठीक है, तीसरी चीज़ उसने दी पूछी हुई है कि आपने टोटल नंबर निकालने, यानी टोटल टोटल कित परसेंट कितनी होती है। टोटल परसेंट होता है 100%, वो हमें ऑफ कोर्स पता लग गया खुद ब खुद कि टोटल 100% ही होता है, मगर इसके भी नंबर नहीं दिए हुए और यही आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये बन गया स्केच। ठीक है, अब देखें, जो चीज़ आपको नोन है ना, उससे ही आपने सारी बातें निकाल लेनी है। सही है, अब हमें पता लग गया है कि 55% हैं, 550 जो नंबर है वो 55% है। तो अब हमने ये देखना है कि 550 किसका 55% है। तो देखिए, एक परसेंटेज का टोटल आप लगाते होते हो ना, कि टोटल को रखते हैं नीचे ऊपर रखते हैं नंबर, ठीक है, ऑब्टेन नंबर, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है परसेंट का। तो सेम ये वही चीज़ आपके पास आई है, इसमें आपको परसेंट गिवन है, 55% गिवन है, और नंबर बताया हुआ है 550 नंबर है। ठीक है, वही वाला फार्मूला है, उसको आपने थोड़ा सा इन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। ये टोटल आपका निकल आएगा कि कितने लोग टोटल थे जो आए, यानी 550 कितने टोटल का 55% है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका टोटल उस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, टोटल उधर चला जाएगा, इधर क्या आ गया, 550 डिवाइडेड बाय 55%, परसेंट ख़त्म करने, परसेंट ऐसे ही रहने देंगे, और ये 100 लग गया है इधर। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने 55 एकम 55 55 10, ठीक है, और ये आपका सिंपल सिंपल आ जाएगा कितना, 1000। तो टोटल लोग कितने हैं, 1000 हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट आपके पास 1000 आ गया। तो अब आपके पास एक छोटा सा माइंड स्केच होगा कि फेल्ड, पास, टोटल, और उस तरह फिर जो चीज़ आपको गिवन होगी, जिसका नंबर आपको गिवन होगा, उसका आपने निकालना है। हालांकि 55% हमें गिवन नहीं थे, मगर हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया कि यार अगर 45% फेल हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, 55% होंगे, कोई और तीसरी चीज़ तो है नहीं इसमें। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फेल्ड, ये आंसर आ गया, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताएं कि फेल्ड कितने हुए हैं, तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो हम उस वो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि 45% ऑफ टोटल, तो हमें पता लग गया कितने हैं 1000, तो 45% ऑफ 1000 कितना होता है, परसेंट को ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 से कट गया, तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 450। तो ये जो अननोन थी, ये भी आपको पता लग जाएगा कि 450 लोग फेल हुए हैं, 550 पास हुए हैं, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 1000 लोग हैं। तो ये आपके पास तीनों चीज़ें जो अननोन, मतलब सारी चीज़ें आपके पास आगे जाएंगी जो अननोन थी। ठीक है।